बहुत ही भयंकर व्यू है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही ठंडी सी हवा यार। बाइक तो मस्त लग रहा है मेरा आज, लग रहा है यहाँ के रेसिडेंट्स भी हमारे साथ मजाक करे, क्योंकि मैंने अभी जब पूछा कि और कितना टाइम लगेगा तो उन्होंने मुझे बताया 25 मिनट्स लगे यार, 25 मिनट्स बहुत ज्यादा हो गया। तो एक और सुहाना दिन और एक और नया ब्लॉग। तो आज है इंडिपेंडेंस डे की सुबह, तो वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे का राइड के लिए मैं रेडी हूँ, अभी बज रहे सुबह का 6 है। तो इसी के साथ करते हैं इसको ब्लॉग को स्टार्ट और देखते हैं आज पूरे दिन क्या क्या हो सकता है। तो एक बार फिर से बोलता हूँ, तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ड्यूक की तरफ से। आई एम अ राइडर प्रोवाइडर। यहाँ पे अभी सब लड़के लोग रेडी है, एक दो जन अभी और आ रहे हैं वगैरह लेके आ रहे हैं। मैं ही बस गियर पहन के आया हूँ, बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है पर कोई बात नहीं। अभी राइड की शुरुआत हो चुकी है, तो वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। तो एक्चुअली आज हम लोग का प्लान है मिरिक जाने का। तो यार रास्ता बहुत ही सिंपल है, मतलब जो लोग को पता नहीं मैं वो लोग को बता देता हूँ। अभी मैं हूँ दार्जिलिंग मोड़, तो आप जब दार्जिलिंग मोड़ में आ जाओगे तो दार्जिलिंग मोड़ से यहाँ से सुकना का रास्ता लेना है, बहुत सिंपल सा रास्ता है। तो अभी मैंने एक्चुअली और एक बड़ा तिरंगा लिया है, तो मुझे डर लग रहा है कि ये शायद हवा में बहुत आवाज़ करेगी। अगर वैसा कुछ होती है तो मैं खोल दूंगा और मेरे दूसरे जो साथी वो इसे पकड़ लेंगे। एक्चुअली अभी झंडा यहाँ से खोल दिया गया क्योंकि रिक्स हो जाता है, इतना बड़ा झंडा है कहीं उड़ के टेढ़ा ना हो जाए। बस संभाल के रखना, ठीक है? हाँ चलो निकलते हैं। सिंपल सुखना मोड़ में आके हम लोगों को ले लेना है लेफ्ट। यार हमारे साथी कहाँ चले गए? ओ ये रहे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भैया। फिर से थोड़ा डायरेक्शन बता दिया जाए जिन लोगों को रास्ता पता नहीं है। अगर आप लोग राइट लेते हो तो राइट की तरफ करशोंग की तरफ जाएगा, और अगर आप सीधा लेते हो तो सीधा जाएगा मेरिक दूधिया वगैरह का रास्ता में। तो डेफिनेटली आपको सीधा लेना है, क्योंकि अगर आप मेरिक जाते हो तो आपको सीधा लेना है, वरना आपको अगर करशोंग जाना है तो यहाँ से जाना है। तो अभी तो मैं बस मेरिक वाले रास्ते में जाने ही वाला हूँ, मेरे दोस्त लोग बिहार है तो चलते हैं एक साथ। चलो ये रही वो ब्रिज, सामने से ट्रक आ रही है तो बगल में रुकेंगे थोड़ा देर। अरे दीपेश, अरे भाई साहब, दीपेश का तो पूरा पार्टनर लोग भी है। मैं यहाँ से निकलता हूँ इससे पहले कि ये लोग मेरे ऊपर अटैक करें। ब्लॉक करने का सोच रहा था यार, पर नहीं करना ही ठीक है। तो वैसे भी घर से निकले हुए 31 किलोमीटर्स हो चुका है और मेरे यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए। वैसे आज मेरे साथ एक और यूट्यूबर है JNS राइडर, तो और एक साथी है मेरे पास, तो ये भी ब्लॉगिंग करता है JNS राइडर के नाम से। तो इसका चैनल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसके कंटेंट को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत भयंकर व्यू है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, आप देख सकते हो। सामने वैसे एक मंदिर है, आगे अभी मैं दर्शन के लिए इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें हमारी शूज वगैरह खोलनी पड़ेगी, ऐसे तो जा नहीं सकते। बहुत ही भयंकर व्यू है, बहुत ही भयंकर। सामने ये घर वगैरह कितनी छोटी दिख रही है यहाँ से। अभी शायद और 1.5 आवर टू 1 आवर जितना लग सकता है, तो देखते हैं अभी और कितना टाइम लगता है, क्योंकि वो वाटरफॉल जो ये लोग बोल रहे हैं वो मिरिक से भी ऊपर में है, तो अभी और आगे जाके ही पता चलेगा। हम सब बहुत ही आराम से जा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं है, ताकि सही तरीके से डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएँ।
वहाँ पे वैसे मैं मिरिक तक तो पहले गया हूँ, पहले एक ही बार गया हूँ मिरिक, और उसके आगे जो वाटरफॉल है वहाँ तक मैं आज तक कभी नहीं गया, तो मेरे लिए भी ये एक नया जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। ये बेहतरीन व्यू है, आप लोग देख सकते हो भाई साहब, रास्ता कितना ज़्यादा सुंदर है, मतलब दिल खुश हो जाता है यार इस रास्ता में आके। भाई क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है, मज़ा ही आ गया। Internet's gone low, so time is for making of it yours. So I'ma sit and just lay in my bed with the fries in my head, getting stuck to the race with you. Fall asleep and cruise, no. Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it full. I'll be found in the broken, a way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it for that one's just me, time's right. तो अभी हमारे सूत्रों के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ से सीधा जाते तो मिरिक पड़ेगी, पर हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें मिरिक जाने का रास्ता में पकड़ता है, हमें यहाँ से लेफ्ट ले लेना है। यहाँ पे एक भैया का दुकान भी है, मतलब इसके ठीक ऊपर ही आई लव मिरिक है, तो वहाँ से जब आप आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा रास्ता। तो चलते हैं, मैं भी अनजान हूँ रास्ते से। लेफ्ट को जाएगा। अच्छा अच्छा आप राइट ही राइट लेके जाओ। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे रास्ते कार वगैरह में घूमने के लिए नहीं है, बहुत दिक्कत होगी आपको अगर आप इधर कार लेके आते हो तो। यार ज़िंदगी में इतना शांति शायद मुझे और कोई भी चीज़ में नहीं मिलता है जितना हिल्स और मेरे बाइक पे मिलता है। हिल्स और मेरा बाइक बस मुझे मिल जाए और क्या चाहिए लाइफ में, फ्रेशनेस है हवा में, इतना ज़्यादा फ्रेशनेस है कि मैं क्या बताऊँ। वाओ मैन, लुक एट दैट व्यू, जस्ट लुक एट दैट व्यू। आप वो पेड़ वाली जगह को देख सकते हो। ये लोग शायद अभी वहाँ पे नहीं जाएंगे, पर मैं नेक्स्ट टाइम आके एक सेपरेट सा व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा ये जगह का, स्पेशली मैं ये जगह ही विजिट करने के लिए आऊँगा। तो अभी सबके साथ ही चलना पड़ेगा, तो इसलिए राइड को कंटिन्यू रखते हैं। सही में यार ये जगह कितनी ज़्यादा सुंदर है यार, आज तो बस मज़ा ही आ गया। इंडिपेंडेंस डे का राइड अभी तक तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, और देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू द व्लॉग। जय हिंद, वंदे मातरम, वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज व्लॉग जितनी लंबी हो सकती है होने दो, बस कैमरा का चार्ज का ही मुझे टेंशन है, अभी बस 61% चार्ज ही लेफ्ट है। अमेजिंग अमेजिंग, क्या जगह है यार। अनदर नॉट सो सेफ रोड, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरे दोस्त लोग आखिर गए कहाँ, क्योंकि मैं वहाँ पे व्लॉगिंग कर रहा था और ये लोग फट से गायब हो गए। आप यहाँ पे आके कन्फ्यूज़ हो सकते हो, ये रहा SSB बॉप छोटा कोठी बोल के एक जगह आएगा, आप लोगों को एक स्टॉपेज आएगा, आपको यहाँ से राइट ले लेना है, फिर धीरे 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 चलते जाना है। ट्रस्ट में मुझे कोई आइडिया नहीं है ये प्लेस के बारे में, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है कि आगे मैं सही जगह तक पहुँच पाऊँगा या नहीं। मेरे साथ ही राइडर के हिसाब से और यहाँ पे जितने भी रेसिडेंट्स हैं मैंने पूछा, वो लोग के हिसाब से तो यही रास्ता है। तो लेट्स सी मैं डेस्टिनेशन तक पहुँच पाता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे है मेरे साथी राइडर्स, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट होगा आई एम श्योर, लग ही रहा था मेरे को। जय हिंद। ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू पॉइंट। व्यू देख रहे हो, व्यू कंटेंट अगर यार वर्थ इट लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट किए बिना चैनल से मत जाना प्लीज़ प्लीज़। भाई साहब क्या मस्त व्यू है यार। ये व्यू पॉइंट मैं इस तरफ भी आप लोगों को दिखा दूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो उस तरफ तो बहुत मस्त व्यू है, पर यहाँ का व्यू यार ये भी बहुत ही शानदार व्यू है। आप देख सकते हो टी गार्डन ही टी गार्डन है, और यार हिल्स के साथ टी गार्डन का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बढ़िया होती है यार, नेचर एट इट्स बेस्ट। तो यहाँ पे ये लोगों का फोटोशूट चल रहा है तब से, बहुत ही ठंडी सी हवा,
यार बाइक तो मस्त लग रहा है मेरा। चलते अब, ये लोग का फोटो शूट ही ख़त्म नहीं हो रहा है। अच्छा ये बार बार तो आएंगे नहीं। तिरंगा यार मस्त लहरा रहा है यार, आज मज़ा आ गया। सही में बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखी हुई है स्पीड लिमिट 10 किलोमीटर पर आवर। नीचे की तरफ जाती है तो शायद मैं ये स्पीड लिमिट मेंटेन कर लूँगा, पर अगर आप मुझे कहीं पर चढ़ना हो तो यार ये स्पीड में मैं चढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। सो लेट्स सी मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। 10 किलोमीटर पर आवर, अरे इससे ज़्यादा नीचे नहीं। तो ये गति से मुझे जाना पड़ेगा, देखते 10 कितना तक होता है। नहीं 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 10 क्रॉस मत करो। हाँ वही ब्रेक मारते मारते चलेंगे तो हो जाएगा। डॉग्स वगैरह यार यहीं पे लेटे हुए हैं। भाई लोग ज़रा हटना, चलो आप लोग रेस्ट करो, मैं साइड से निकलता हूँ, पर जब मेरे साथी आएंगे तब आपको हटना पड़ेगा। मैंने वैसे अभी बाइक बंद कर दिया है, मुझे एक्चुअली यार समझ भी नहीं आ रहा है ये वहाँ पे आगे वाटरफॉल है तो कहाँ है, क्योंकि हम जा रहे हैं नीचे और वाटरफॉल अगर होती है तो थोड़ी हाइट में होगी तभी तो वहाँ से पानी गिरेगा। एक बार सामने दो मुझे साथी दिख रहे हैं, लोग से पूछ लेते हैं। हेलो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भाई लोग वाटरफॉल कहाँ पे है? वाटरफॉल किधर जाना है? और सीधा जाते रहना है। हिंदी आउंदे ना, हिंदी आउंदे ना, नेपाली आउँछ नि, नेपाली आउँछ, नेपाली आता है। हाँ तो किधर जाना है? इस तरफ जाना है, सीधा जाते रहना है। ठीक है चलो सीधा जाते रहते। तो भाई से मेरा भी उतना ही कम्युनिकेशन हुआ। ओ छोड़ दूँ आपको? अच्छा लिफ्ट दे दूँ? आ जाइए बैठिए। तो अंकल को भी लिफ्ट दे देते। कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? दो किलोमीटर दूर है। ओ आप यहाँ से डेली चल के जाते हो इतना दूर? हाँ? ओ यहीं पे घर है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। अच्छा गांव है। कौन सा वाला है फॉल? यहाँ पे है ना, इस तरफ। नमस्ते। हाँ इतना था। अच्छा रोड यही है ना? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ झड़ना 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 झड़ना। हाँ तो यहाँ पे मैं बस वेट कर रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग आ जाए। और अरसले, तो यहाँ का शुद्ध नाम है अरसले। ओके ओके। तो यहाँ पे एक छोटा सा गांव है यार, घर वगैरह बहुत सुंदर है, यहाँ पे रहने का भी अलग ही मज़ा है। तो मेरे साथी राइडर्स आ रहे हैं अभी बस। तो बस ये लोग बस आ ही गए तो निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं जल्द से जल्द वाटरफॉल की तरफ। चल। अरे बाप रे, रास्ता तो बहुत ही डेंजरस है, संभाल के उतरना पड़ेगा। उतरते आराम से, संभाल के उतार रहा हूँ मैं बाइक। वैसे हर बारी जब भी मैं एक पिलियन को बैठा के लेके आता हूँ राइड पे, तब मुझे कहीं ना कहीं लगती है यार एक एडवेंचर बाइक वगैरह होती तो ज़्यादा बेहतर होती। पर मैं आपको एकदम जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं आज खाली आया विदाउट अ पिलियन और मुझे सही में यार बाइक चलाने में एक अलग ही मज़ा आ रहा है। ऐसा आज तक कभी मैं किया नहीं। हिल्स वगैरह में मैं जब भी जाता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कोई ना कोई तो पिलियन होता ही है, तो वो टाइम पे ना मतलब शायद पता नहीं वो लोग का वेट की वजह से, फिर शायद वो लोग का थोड़ा सा बॉडी वेट मतलब मेरे बॉडी के सपोर्ट में भी रहता है जब वो लोग अपने हाथ वगैरह रखते हैं मेरे कंधे वगैरह में, तो वो टाइम में मैं सही में यार बॉडी ना थोड़ी ज़्यादा थक जाती है। पर इन कंपैरिजन टू दैट, लाइक इन कंपैरिजन टू अ पिलियन राइड, अभी जो मैं सोलो कर रहा हूँ, अभी मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं इसलिए यार कहते हैं कि सोलो राइड करने का भी एक अलग ही मज़ा है, और सही में आज मुझे पता चल गया कि सोलो राइड इज़ रियली द बेस्ट। तो अभी आप लोग जैसे ही गाँव में आओगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, वे टू अशाले फॉल्स, खार खार बनी
वे टू अशाले फॉल्स खारबनी। तो यहाँ से हमें सीधा जाना है। से मैंने बाइक बंद ही कर दिया अभी, बच गया यार। आगे तो रोड ही नहीं है। जा 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 जा, देखते क्या होता है। इतना प्यास लग गया मुझे भी, इतना प्यास लग गया मैं क्या बताऊं। यहाँ पे जो रेसिडेंस हमें मिले थे उनके हिसाब से तो वो लोग बोल रहे थे कि नीचे एक दुकान है। और यार सही में यार, ऐसी रिमोट जगह में अगर कोई दुकान मिल जाती है तो यार सही में हम लोग बहुत लकी साबित होंगे। और अगर नहीं मिलती है मैं तो जाके वो झरना का पानी ढक ढक पी लूँगा यार, कोई और ऑप्शन नहीं है। पहुँच गया यार, कोई यहाँ पे बाइक लेके आया यार, वो भी R15 जैसी एग्रेसिव बाइक यार, मानना पड़ेगा यार। तो ये रहा ये वाटरफॉल। इन्फॉर्मेशन से मैं भी अनअवेयर था, नदी के उस तरफ नेपाल है, तो अभी हम लोग एग्जैक्टली इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में हैं।